हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका डिजिटल साहबाज यूट्यूब चैनल के अंदर। फेसबुक एड्स की इस सीरीज में हम आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं ऑब्जेक्टिव के बारे में। कैंपेन ऑब्जेक्टिव जो फेसबुक एड्स के 11 ऑब्जेक्टिव होते हैं वो क्या होते हैं, 11 ऑब्जेक्टिव को हम अच्छे से समझेंगे किस लिए कौन सा ऑब्जेक्टिव यूज किया जाता है। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो दोस्तों जो फेसबुक एड्स के जो ऑब्जेक्टिव होते हैं वो टोटल 11 ऑब्जेक्टिव होते हैं। ये ऑब्जेक्टिव इसलिए बनाए हैं गाइस कि जो आपका गोल होता है कि आप क्या डिजायर रखते हैं, क्या वांट रखते हैं पर्टिकुलर कैंपेन रन करने के लिए, तो वो गोल को अचीव करने के लिए, जो फेसबुक को समझाने के लिए कि फेसबुक को भी बताना पड़ता है, रोबोट को बताने के लिए हमें ये ऑब्जेक्टिव डिवाइड किए गए हैं। अगर आपको लीड जनरेट करना है, ट्रैफिक लाना है, अवेयरनेस करना है, कन्वर्जन चाहिए, तो हमारी जो वांट है, जो गोल जिसलिए आप एडवर्टाइज चला रहे, वो चीज़ हम इस ऑब्जेक्टिव के जरिए फेसबुक एड्स को बता फेसबुक के टूल को बताते हैं गाइज। तो सबसे पहला जो ये तीन पार्ट में डिवाइड होते हैं गाइज, अवेयरनेस, कंसीडरेशन और कन्वर्जन गाइज। ये एक फनल सिस्टम होता है गाइज, ये फनल के अकॉर्डिंग रहते हैं ये तीनों तीन टाइप। तो आने वाली वीडियोज़ में मैं बताऊँगा आपको गाइज कि फनल क्या होता है पूरा। अभी हम बात करते हैं ब्रांड अवेयरनेस के बारे में गाइज। तो ब्रांड अवेयरनेस ऑब्जेक्टिव क्या होता है, सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है फेसबुक एड्स का ब्रांड अवेयरनेस में गाइस। जो लोग आपके आपके प्रोडक्ट को या आपकी कंपनी को नहीं जानते हैं, वो अननोन जो होते हैं, उन लोगों को, जो कोल्ड ऑडियंस होती है, उन लोगों तक पहुंचाने के लिए आपकी बात, आपका जो प्रोडक्ट होता है, आपकी कंपनी के बारे में पहुंचाने के लिए ब्रांड अवेयरनेस एड्स किया जाता है गाइस। ब्रांड अवेयरनेस एड्स के अंदर मैक्सिमम, मतलब एक यूज़र को मैक्सिमम टाइम्स फेसबुक एड्स दिखाता है, उसे लगता है कि ये पोटेंशियल कस्टमर आपका बन सकता है, तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा वो अवेयर करने के लिए बार बार एडवर्टाइज आपकी दिखाता है गाइस। सेकंड ऑब्जेक्टिव आता है गाइस रीच। रीच में क्या होता है गाइस, रीच सेम इट इज ब्रांड अवेयरनेस के लिए ही होता है कि जो लोग आपके ब्रांड को नहीं जानते, अननोन होते हैं, उन लोगों को आपके ब्रांड के अवेयरनेस करने के लिए रीच यूज होता है। बट ब्रांड अवेयरनेस और रीच में एक ही डिफरेंस है कि फ्रीक्वेंसी का। लाइक रीच के अंदर क्या होता है, रीच का रीच ऑब्जेक्टिव से ये होता है कि आप मैक्सिमम लोगों तक जा सकते हो। एक यूजर को आप एक बार दिखाना चाहते हो, दो बार दिखाना चाहते हो, तो वो रीच के अकॉर्डिंग, रीच ऑब्जेक्टिव से आप सिलेक्ट कर सकते हो। और ब्रांड अवेयरनेस में क्या होता है कि मिनिमम लोगों को भी मल्टीपल टाइम्स आपकी एडवर्टाइज दिखती है, और रीच के अंदर क्या होता है कि मैक्सिमम लोगों तक दिखती है गाइस, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक रीच किया जाता है उसके अंदर। होप गाइस ये दोनों समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं गाइस ट्रैफिक। तो ट्रैफिक गाइस क्या होता है कि अगर आपकी वेबसाइट है, आप कोई ब्लॉग लिखते हैं, ब्लॉगर है, या कहीं पे आपको ट्रैफिक ले जाना है फेसबुक और इंस्टाग्राम के जरिए, तो ट्रैफिक ऑब्जेक्टिव को यूज़ किया जाता है गाइज, कि जहाँ से आप आपके ब्लॉग पे ट्रैफिक ले जाते हो, वहाँ पे अगर कोई मोनेटाइजेशन आपका ऑन किया हुआ है तो वहाँ से आप रेवेन्यू जनरेट कर सकते हो। इसके लिए गाइज ट्रैफिक का यूज़ किया जाता है, ट्रैफिक ऑब्जेक्टिव का। नेक्स्ट है गाइज इंगेजमेंट। इंगेजमेंट में क्या होता है गाइज कि आप कोई पोस्ट पे ज़्यादा लाइक्स लाना चाहते हैं, कमेंट्स लाना चाहते हैं, तो उसके लिए यूज़ किया जाता है गाइज। इसमें भी तीन टाइप होते हैं इंगेजमेंट में। पोस्ट इंगेजमेंट यानी कोई पोस्ट के ऊपर आप लाइक कमेंट ज़्यादा लाना चाहते हैं, या फेसबुक का पेज, जो पेज के ऊपर लाइक होती है वो पेज लाइक बढ़ाने के लिए भाई हम इसी ऑब्जेक्टिव का यूज़ करते हैं गाइस। और इवेंट के अंदर भी ज़्यादा, जो फेसबुक के ऊपर इवेंट बनता है, उस इवेंट को अटेंड करवाने के लिए भी हम इसी ऑब्जेक्टिव का यूज़ किया जाता है गाइस। उसके आगे आता है ऐप इंस्टॉल गाइस, जो कि आपका कोई, अगर कोई एप्लीकेशन है या आपके क्लाइंट का कोई एप्लीकेशन है जो प्ले स्टोर पे लिस्टेड है या आईओएस स्टोर पे लिस्टेड है, तो गाइस वो ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम डाउनलोड करवाने के लिए, लाइक जैसे ही अगर कोई यूज़र क्लिक करेगा तो वो डायरेक्ट प्ले स्टोर में पहुंच जाएगा, तो वो उसके लिए ऐप इंस्टॉल को यूज़ किया जाता है गाइस। वीडियो व्यूज़ गाइस, कोई वीडियो होती है जिसपे मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा आपको व्यूज़ लाने हैं, तो वीडियो व्यूज़ का ऑब्जेक्टिव सिलेक्ट किया जाता है कि जिससे आपकी वीडियो के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ ला के देता है फेसबुक। लीड जनरेशन गाइस, किसी का डेटा, आपके जो पोटेंशियल कस्टमर है, जो आपके क्लाइंट बन सकते हैं, उनका डेटा कलेक्ट करना, उनका नाम, नंबर, जो भी डेटा आपको, ईमेल चाहिए, तो ये गूगल की तरफ से, सॉरी फेसबुक की तरफ से ही फॉर्म बनता है, उसी फॉर्म को आप फिलअप करवा के लीड जनरेट कर सकते हैं। अगर आपके पास लैंडिंग पेज नहीं है तो भी आप इस लीड जनरेशन ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट करके सामने वालों का डेटा कलेक्ट कर सकते हैं। लैंडिंग पेज क्या होता है गाइस, मैं आगे बताऊंगा आप लोगों को अच्छे से। मैसेजेस गाइस, मैसेजेस के अंदर ऑब्जेक्टिव में क्या होता है कि मैक्सिमम मैसेजेस लाना, या तो मैसेंजर पे हो या इंस्टाग्राम के ऊपर हो, इंस्टाग्राम डीएम्स में, अगर कोई बंदा आप चाहते हैं कि कोई आपको डायरेक्ट डीएम के अंदर मैसेज करे, फिर वहां से आप कन्वर्जन कर सकते हैं, तो मैसेज ऑब्जेक्टिव गाइस यहां से सिलेक्ट किया जाता है, और मैसेज ऑब्जेक्टिव के थ्रू आप कैंपेन बना सकते हैं गाइस। सबसे मेजर यूज़ होने वाला नेक्स्ट जो हम बात कर रहे हैं, कन्वर्जन। सबसे मेजर जो फेसबुक एड्स जिसके लिए जाना पहचाना जाता है, और सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला ऑब्जेक्टिव ही कन्वर्जन है।
गैस कन्वर्जन ऑब्जेक्टिव सेल्स के लिए यूज किया जाता है। मोस्टली ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के अंदर कन्वर्जन ऑब्जेक्टिव को सिलेक्ट किया जाता है, जिसके अंदर आपको सेल निकालने के लिए मेन पर्पस होता है। इसमें क्या होता है गाइस कि फेसबुक को लगता है कि अगर आपका कोई पोटेंशियल कस्टमर है जो वो परचेज कर सकता है आपकी प्रोडक्ट को, तो फेसबुक उसको बार बार कन्वर्जन ऑब्जेक्टिव अगर सिलेक्ट करते हैं आप, तो वो बार बार एडवर्टाइज दिखाता है अगेन एंड अगेन अगेन एंड अगेन, बार बार उसको स्टोरी में, इसको पोस्ट में बार बार दिखा के वो बार आपका सेल निकाल कर ही देता है गाइस। कैटलॉग सेल्स, ये भी गाइस कन्वर्जन का ही एक टाइप है, लाइक ई कॉमर्स के लिए ज़्यादा यूज होते हैं ये दोनों ऑब्जेक्टिव। तो इसमें क्या होता है कि अगर आपका जितने भी प्रोडक्ट ई कॉमर्स पे अवेलेबल होते हैं वो सारे के सारे प्रोडक्ट आप फेसबुक के डैशबोर्ड में या एड मैनेजर के अंदर आप अपलोड कर देते हो, बिजनेस मैनेजर में, वहाँ से आपका पूरा कैटलॉग रेडी हो जाता है। जब कोई अगर आप पर्टिकुलर मान लो कि प्रोडक्ट ए के लिए एडवर्टाइज कर रहे हो, लेकिन कोई बंदा वहाँ जाके कोई प्रोडक्ट बी या सी देख रहा है, तो फेसबुक डायनेमिक ऑटोमेटिक उसको प्रोडक्ट बी की एडवर्टाइज दिखा देता है। अगर आप कैटलॉग सेल्स चलाते हैं तो वहाँ पे क्या कस्टमाइजेशन हो जाता है, डायनेमिक एड्स रन हो जाती है गाइज, तो उससे भी काफ़ी अच्छा कन्वर्जन आता है ई कॉमर्स के अंदर। उसके बाद हमारा नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है स्टोर ट्रैफिक। गाइज ये ऑफलाइन स्टोर के लिए होता है, अगर ऑफलाइन स्टोर पे आपको ट्रैफिक लाना है, लेकिन यहाँ पे ऐसा ही होता है कि वो गूगल मैप्स के ऊपर डायरेक्ट ट्रैफिक भेज देता है, उसको लोकेशन दिखाई दे देती है। तो ये ऑफलाइन स्टोर को अगर आपको प्रमोट करना है, लोकल अगर कोई क्लाइंट है आपका या लोकल बिजनेस है, तो आप ये वाला ऑब्जेक्टिव सिलेक्ट करके उसके अंदर एड रन कर सकते हो गाइज। तो गाइज ये थे 11 ऑब्जेक्टिव, होप आपको काफ़ी अच्छे से समझ आ गए होंगे गाइज। और मैं एक आपको सजेशन देना चाहूँगा गाइज, फेसबुक एड्स के अंदर लोग मैक्सिमम गलती यही करते हैं कि वो लोग सही से ऑब्जेक्टिव सिलेक्ट नहीं करते हैं गाइज। तो प्लीज़ मेक श्योर करें गाइज कि आप लोग अपना गोल डिफाइन करें कि आपका क्या गोल है इस कैंपेन को रन करने का। आप लीड जनरेट करना चाहते हैं, ट्रैफिक लाना चाहते हैं, कन्वर्जन लाना चाहते हैं, ब्रांडिंग करना चाहते हैं, अवेयरनेस फैलाना चाहते हैं, तो उसी को ध्यान में रखते हुए आप ऑब्जेक्टिव को सिलेक्ट करें गाइज। तो आपका जिस तरह उसी तरह फिर फेसबुक आपके गोल ऑब्जेक्टिव सिलेक्ट करने के बाद ही उसी को कैंपेन को उसी तरह ऑप्टिमाइज करता है। तो प्लीज़ गाइज ऑब्जेक्टिव के ऊपर मोर फोकस्ड रहे, अच्छे से सिलेक्ट करें गोल फाइंड करके, देन आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा आपकी एड्स में। ठीक है गाइज, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, टिल देन बाय।